वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टारफिश का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम ऑफ स्टारफिश। लास्ट वीडियोस में हम स्टारफिश के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नर्वस सिस्टम ऑफ स्टारफिश की, तो इसके अंदर मुख्यतः चार भाग होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर चार भाग होते हैं। एक होता है यहाँ पे स्तही या फिर एक्टो नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको सुपरफिशियल एक्टो नर्वस सिस्टम बोला जाता है। सेकेंड यहाँ पे होता है डीप और हाइपो न्यूरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, डीप और हाइपो न्यूरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद इसके अंदर एबोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम होता है एंड लास्ट वन इसके अंदर विसरल नर्वस सिस्टम यानी आंत का तंत्रिका तंत्र होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के। तो इस अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये नर्वस लेयर होती है। यहाँ पे इस नर्वस लेयर के अंदर ही ये सारे के सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे स्तही या फिर एक्टो नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंदर ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है और एपिडर्मिस के नीचे स्थित होता है। ठीक है, एक एपिडर्मिस होगी, उस एपिडर्मिस लेयर के नीचे ये स्थित होगा, जैसे कि ये एपिडर्मिस लेयर हो गई, यहाँ पे ये वाली लेयर होगी एपिडर्मिस। तो इस एपिडर्मिस के नीचे ये स्थित होता है जो स्तही या फिर एक्टो नर्वस सिस्टम होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्टो मीन्स बाहर, बाहर यानी कि या फिर सुपरफिशियल, स्तही यानी कि एपिडर्मिस हो गई, तो उसके नीचे ये होता है और ये एक मिश्रण होता है। इसके अंदर एक प्रिधियव तंत्रिका वल्य होता है, ठीक है, एक सरकम ओरल नर्व रिंग होती है इसके अंदर। तो एक तो इसके अंदर हो गई सरकम ओरल नर्व रिंग, जिसको बोलते हैं प्रिधियव तंत्रिका वल्य। इसके अलावा इसके अंदर रेडियल तंत्रिका तार होती है, यानी कि रेडियल नर्व कोड इसके अंदर होती है। ये जो यहाँ पे दिख रही है ये रेडियल नर्व कोड होंगी यहाँ पे, ठीक है, ये रेडियल नर्व कोड यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके अंदर सब एपिडर्मल प्लेक्सिस होते हैं, ठीक है, सब एपिडर्मल प्लेक्सिस होते हैं। तो बेसिकली ये तीन पार्ट का बना होता है स्तही या फिर एक्टो नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर एक सरकम ओरल नर्व रिंग होती है सर, और इसके अलावा इसके अंदर रेडियल नर्व कॉर्ड होती है एंड सब एपिडर्मल प्लेक्सिस होते हैं। तो इसके अंदर ये जो सबसे पहला पार्ट था प्रिधियव तंत्रिका वल्य या फिर सरकम ओरल नर्व रिंग, यह जो होता है, देखो नाम से पता चल रहा है सरकम यानी कि सर्कुलर होगा एंड ओरल यानी कि ओरल ऐसे मुंह था और इसके सर्कल इसके अराउंड ये होगा। तो ये पेरिस्टोम, जैसे हमने देखा था माउथ होता है, माउथ के बाहर एक सतह होती है, एक भित्ति होती है, जिसको पेरिस्टोम बोला जाता है। तो ये पेरिस्टोम और अन्न प्रणाली यानी ईसोफेगस, अब पेरिस्टोम से ही जो नलिका एक ग्रसिका निकलती है जो कि स्टमक के अंदर ओपन होती है, उसको ही ईसोफेगस बोला जाता है। तो ये पेरिस्टोम और अन्न प्रणाली यानी ईसोफेगस को फाइबर की आपूर्ति करता है, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि ये होता है मुंह के अराउंड होता है, ठीक है, माउथ के अराउंड ये प्रेजेंट होता है। और माउथ के अराउंड क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि प्रिधियव तंत्रिका वल्य पंचकोणीय है, माउथ हमने देखा था कि माउथ कैसा होता है, पंचकोणीय होता है। इस पंचकोणीय माउथ के अराउंड यहाँ पे क्या होता है, इसके अराउंड पेरिस्टोम होता है, इसके अराउंड पेरिस्टोम होता है। और ये जो है ये प्रिधियव तंत्रिका वल्य इसके चारों ओर ही होता है, और चारों ओर में अगर हम देखें ये पेरिस्टोम, और पेरिस्टोम से यहाँ पे एक और नली ग्रसिका निकलती है जो कि स्टमक के अंदर ओपन होती है, तो इसको ही ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये जो पेरिस्टोम है और जो ये नली है ईसोफेगस है, इसको नर्व की सप्लाई करेगा या फिर इसको फाइबर की सप्लाई करेगा, इसको अपनी सप्लाई भेजेगा। यहाँ पे याद करने की बात यही होती है कि सरकम ओरल नर्व रिंग है ये, और सरकम ओरल नर्व रिंग है तो ये मुंह के अराउंड हो गए, और मुंह के अराउंड क्या स्ट्रक्चर होते हैं, पेरिस्टोम होते हैं एंड अन्न प्रणाली होती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पे रेडियल नर्व कोड। ये जो रेडियल नर्व कोड होती है, रेडियल तंत्रिका डोरियां पंचकोणीय प्रिधि तंत्रिका के कोणों से उत्पन्न होती है, ठीक है, जो भी यहाँ पे पंचकोणीय प्रिधि थी, ये पंचकोणीय प्रिधि थी, इससे ये उत्पन्न होंगी जो प्रत्येक भुजा के बीच में चलती है, ठीक है, कहाँ होंगी, प्रत्येक भुजा के बीच में होंगी। क्रॉस सेक्शन में रेडियल तंत्रिका वी आकार के दिखाई देते हैं,
ठीक है। और ये जो रेडियल तंत्रिका है ये वी आकार की दिखाई देती है, और अपनी भांग के यानी कि जो इसकी आम है उसके जो थर्मल टेंटेकल है के आधार पर संवेदी कुशन यानी सेंसरी कुशन में समाप्त हो जाता है। तो लास्ट में जाके ये क्या बना लेती है, एक संवेदी कुशन बना लेती है, ये वी शेप की होती है। रेडियल नशे 2 फीट और एम्पुला को तंत्रिका तंतुओं की आपूर्ति करती है, ठीक है। ये किसको भेजेगी, ये भेजेगी 2 फीट को और एम्पुला को अपनी स्प्लाई भेजेगी, तो ये होगी रेडियल नर्व कॉर्ड। इसके बाद थर्ड होती है सब एपिडर्मल प्लेक्सिस। ये जो सब एपिडर्मल प्लेक्सिस होता है, सब एपिडर्मल प्लेक्सिस जो होता है ये जो है सब एपिडर्मल प्लेक्सिस पूरे शरीर के दीवार, ठीक है। एक तो एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के नीचे सब एपिडर्मिस होगी, तो उसके नीचे शरीर की दीवार में तंत्रिका कोशिकाओं में एक विस्तृत नेटवर्क के रूप में होता है, एक इलेबोरेट नेटवर्क होता है, एक विस्तृत नेटवर्क के फॉर्म में ये शरीर की दीवार जो होती है उसके वहां पे फैला होता है। यह महीन तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से रेडियल तंत्रिका डोरियो यानी कि फाइन नर्व फाइबर्स देता है, ये उनसे जुड़ा होता है, ठीक है। ये किसको सप्लाई भेजेगा, जो कि यहाँ पे एक तो ये जो दीवार थी इसकी, जो इसकी वॉल थी उसको भेजेगा। सेकंड, ये जो है बहुत सारे महीन तंत्रिका तंतु यानी कि फाइन नर्व फाइबर से के माध्यम से रेडियल तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। तंत्रिका जाल नर्व प्लेक्सिस बनाने के लिए केंद्रित होता है, और ये क्या करता है, ये एक नर्व प्लेक्सिस यानी कि तंत्रिका जाल फॉर्म करता है। इसके अलावा एड्रीडियल और सीमांत नसों यानी मार्जिनल नर्व्स की एक जोड़ी जो एम्बुलेक्रल ग्रूव के प्रत्येक मार्जिन के साथ चलती है। हमने देखा था जैसे ये आर्म हो गई और यहाँ पे ग्रूव हो गया, और इस ग्रूव के अराउंड हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्पाइन्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है, एड्रेडियल और जो सीमांत नसे नर्व्स होती हैं उनकी एक जोड़ी जो एम्बुलेक्रल ग्रूव के प्रत्येक मार्जिन के साथ चलती है, ठीक है। इसके इसका जो मार्जिन है उसके साथ ये चलेगी। प्रत्येक 2 फीट के चूसने यानी कि सकर्स जो होंगे वाले में एक तंत्रिका वल्य रिंग यहाँ पे या फिर नर्व रिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सब एपिडर्मल प्लेक्सस के अंदर क्या होता है, एक तो ये नर्व प्लेक्सस फॉर्म करते हैं, सेकंड ये क्या करते हैं, ये पूरे शरीर की जो दीवार में तंत्रिका कोशिकाओं का एक विस्तृत नेटवर्क होता है, एक विस्तृत एक इलेबोरेट नेटवर्क होता है, और ये क्या करता है, ये छोटी छोटी फाइन नर्व फाइबर्स देता है जो कि रेडियल तंत्रिका डोरियों से जुड़ जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर एड्रेडियल और जो मार्जिनल नर्व्स की एक जोड़ी होती है जो कि एम्बुलेक्रल ग्रूव के मार्जिन के साथ साथ चलती है, और ये 2 फीट और जो सकर्स होते हैं उसमें एक तंत्रिका वल्य रिंग देता है। चूंकि इस प्रणाली के घटकों को विकसित किया गया है एक्टोडर्म, इसे एक्टोडर्मल तंत्रिका कहा जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र यानी कि एक्टोडर्मल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ से, ये जो इस प्रणाली के यानी कि सारे के सारे पार्ट जो जैसे कि एपिडर्मल हो गया, सब एपिडर्मल हो गया, उन पार्ट से मिलके बना होता है। इसके साथ इसके अंदर संवेदी के साथ साथ ये मोटर तंतु भी होते हैं। एक तो इसके अंदर कैसे होंगे, एक तो इसके अंदर होते हैं जो कि सेंसरी होते हैं, ठीक है। सेंसरी यानी कि तंत्रिका तंत्र जो बनाएंगे एक तो वो होंगे, सेकंड इसके अंदर मोटर तंतु यानी मोटर फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो सेंसरी और मोटर दोनों टाइप का ही होगा। इस प्रकार यह उत्तेजनाओं को प्राप्त करने के लिए, संचालित करने के लिए करने का कार्य करता है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले जो भी यहाँ पे उत्तेजनाएं जो भी सेंसेशन आएंगी उनको प्राप्त करेगा और उनको संचालित करेगा, क्योंकि ये मोटर फाइबर्स का बना होता है, तो ये उनको संचालित करने के रूप में कार्य करेगा, और ये केंद्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद सेकेंड आता है डीप और हाइपो न्यूरल नर्वस सिस्टम, ये मेसोडर्म से विकसित किया जाता है, ठीक है। जैसे वो एपिडर्मिस से मोस्टली मिलके बना था, ये मेसोडर्म से मिलके बना हुआ है। बॉडी वॉल जो होती है वो 3 होती है, एक होती है यहाँ पे एंडोडर्म, सबसे अंदर में एंडोडर्म होती है, उसके बाद मेसोडर्म होती है, और सबसे आउटर मोस्ट एक्टोडर्म होती है। तो ये जो मेसोडर्म है उससे ही मिलके बना हुआ है। इस प्रणाली की रचना करने वाले विभिन्न नसें मोटर नसें हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, मोटर फाइबर्स होती है। इस
तंत्रिका तंत्र में लैंग की नसें शामिल होती है, ठीक है, लैंग की नसें शामिल होती है जो हाइपोन्यूरल साइनस के सिलोमिक एपिथीलियम के नीचे स्थित तंत्रिका ऊतक की एक प्लेट होती है, ठीक है, एक ऐसी प्लेट होती है, एक तंत्रिका ऊतक की प्लेट होगी जो कि एपिथीलियम के नीचे होता है। इस साइनस की दीवार एक पार्श्व अस्तर बनाती है, ठीक है। तो ये प्रणाली कैसी होती है, इसमें मोटर नसें होती हैं और ये लैंग की नसें इसमें शामिल होती हैं जो कि हाइपरन्यूरल साइनस यानी कि सिलोमिक एपिथीलियम के नीचे स्थित तंत्रिका ऊतक की एक प्लेट होती है और ये साइनस की दीवार एक पार्श्व अस्तर बनाती है। लैंग की तंत्रिका क्या होती है, ब्लेंजियन नर्व क्या होती है, एक्टोनर्मस सिस्टम के मुख्य तंत्रिका पेंटागोन के ऊपर 5 अंतरीय रेडियल तंत्रिका मोटाई के रूप में फैली होती है, ठीक है। जो हमने बात की थी एक्टोन्यूरल सिस्टम होता है इसका बाहर वाला जो सिस्टम होगा एक्टोन्यूरल सिस्टम, उसके मुख्य तंत्रिका इनकी पेंटागोन होती है क्योंकि माउथ के अराउंड होता है तो पेंटागोन होती है, तो उसके ऊपर 5 अंतरीय अंतर रेडियल तंत्रिका, ठीक है, 5 अंतर रेडियल तंत्रिका यानी कि इंटर रेडाई तंत्रिका होंगी, इसके मोटाई के रूप में फैली होती है और प्रत्येक लैंग की तंत्रिका संबंधित भुजा की मांसपेशियों को संक्रमित करती है, ठीक है। ये क्या करती है, प्रत्येक जो लैंग की तंत्रिका है यहाँ पे संक्रमित सही नहीं है, ये उनको क्या करेगी, उनको भेजेगी, ठीक है, संबंधित भुजा की मांसपेशियों को इनको भेजेगी। तो इसके अंदर ये मेनली मीजोडर्म से बनी होगी, मोटर नसें होगी और इसके अंदर एक तंत्रिका ऊतक की प्लेट होती है और यहाँ पे लैंगेज नाव होती है। और थर्ड आता है एबोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम होता है एबोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम, एबोरल साइड पर पार्श्विका पेरिटोनियम के ठीक बाहर स्थित होता है यानी कि जो पेराइटल पेरिटोनियम होती है, ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम के ठीक बाहर ये स्थित होता है। इसमें केंद्रीय डिस्क के एक तंत्रिका वलय और प्रत्येक हाथ में एक तंत्रिका होती है, यानी कि हर एक आर्म के अंदर एक तंत्रिका होगी और एक इसके अंदर क्या हुआ केंद्रीय डिस्क होगी जो कि इसकी पेंटागोनल डिस्क के अराउंड होगी। इस प्रणाली का तंत्रिका तंतुओं द्वारा सीमांत तंत्रिकाओं से संबंध होता है, जो मार्जिनल नर्व्स थी उनसे इनका संबंध होता है। यह गर्म नाल पक्ष की शरीर की मांसपेशियों को संक्रमित करता है और कार्य में मोटर है, ठीक है, मोटर होते हैं ये और ये क्या करते हैं शरीर की जो मांसपेशियां होती है उसको ये अपनी सप्लाई भेजता है। लास्ट वन इज द विसरल नर्वस सिस्टम और आंत का तंत्रिका तंत्र। यह आंत का तंत्रिका तंत्र आंत की दीवार यानी एंटेरिक एपिथीलियम, ठीक है, इसको आंत के लिए वर्ड आता है एंटेरिक, तो ये एंटेरिक एपिथीलियम के ठीक बाहर होता है। यह एलिमेंट्री किनाल की मांसपेशियों को अपनी सप्लाई भेजेगा और आंत के रिसेप्टर से जुड़ा होता है, ठीक है, जो भी आंत के रिसेप्टर होंगे उनसे ये जो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए है स्टारफिश के 4 पार्ट्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।